हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण में हम लोगों ने देखा क, ख, ग, घ, अंगा. आज हम लोग इसको फिर से एक बार दोहराएंगे. क, ख, ग, घ, अंगा. क, क वर्ण से बनता है कमल. क, म, ल, कमल और कलश. क, ल, श, कलश. क से कमल, क से कलश. उसके बाद ख, ख वर्ण से बनता है खरबूजा. ख, र, बा में दीर्घ, जा में आ की मात्रा, जा, खरबूजा. और ख, र, गा में ओ की मात्रा, तालव्य, श, खरगोश. खासे खरबूजा, खासे खरगोश. उसके बाद ग, ग वर्ण से बनते हैं गमला. ग, म, ला में का ला, गमला. और गहने, ग, ह, ना में एक ही मात्रा, गहने. ग से गमला और ग से गहने. उसके बाद आता है घावर. घावर से घड़ी. घ, अड़ा में दीर्घी की मात्रा, घड़ी. और घ, अड़ा में आ की मात्रा, घड़ा. घ से घड़ी और घ से घड़ा. इसके बाद आता है अंगा. अंगा, अंगा से कोई भी शब्द नहीं बनता है. ये हमें शब्दों को बनाने में, जोड़ने में काम में आता है. इसी तरह और एक बार देखेंगे बच्चों हम लोग. क, ख, ग, घ, अंगा. क से कमल, क, म, ल, कमल. और क से कलश, क, ल, श, कलश. ख से खरबूजा, ख, र, ब में दीर्घ, ज में का जा, खरबूजा. और खरगोश, ख, र, ग में ओ की मात्रा, तालव्य, श, खरगोश. ग, ग से गमला. ग, म, ल में का ला, गमला. और ग से गहने. ग, ह, ना में एक ही मात्रा, गहने. घ, घ से घड़ी. घ, अड़ा में दीर्घी, घड़ी. और घ से घड़ा. घ, अड़ा में आकार, घड़ा. घ से घड़ी, घ से घड़ा. अंगा, अंगा से कोई शब्द नहीं बनता. तो बच्चों, ये हमारा आज का पढ़ाई था. इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा और अपने कॉपी में लिखिएगा. थैंक यू बच्चों. घर में रहें, सुरक्षित रहें. धन्यवाद.